आज मैं बैठने वाला पाटिया लेकर आ रहा था और तभी वहाँ पर एक एरोप्लेन आकर क्रैश हो गई। और जब मैंने वापस जाकर देखा तो वहाँ पर एरोप्लेन का टुकड़ा पड़ा था। तो चलिए इस टुकड़े से ही एरोप्लेन बनाते हैं। मैंने इसके ऊपर दो निशान कर लिए और कैंची की मदद से इनको काट कर अलग कर लिया। इसके बाद मैंने एक और शेप बनाया और उसे भी काट कर अलग कर लिया। अब मैंने कटा हुआ टुकड़ा इस छेद के अंदर डाल दिया और दूसरे टुकड़े को भी इसके पीछे फंसा दिया। तो अब बनकर तैयार है हमारी एरोप्लेन, चलिए इसे उड़ाकर भी देखते हैं। फिर मैंने इसके नीचे एक कट लगाया और रबड़ बैंड की मदद से जैसे इसको छोड़ा तो ये एरोप्लेन की तरह आसमान में उड़ गया।